तैयारी बहुत अच्छी है और हम लोग बिहार में पूरा अच्छी तरीके से पब्लिसिटी कर रहे हैं इस फिल्म की और उम्मीद है कि फिल्म अच्छी जाएगी। फिल्म के बारे में जरा एक बार फिर से ऑडियंस को बता दीजिए, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं जिन्होंने पिछला इंटरव्यू नहीं देखा होगा उनके बारे में जरा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए आपको और फिल्म के बारे में। ये फिल्म तो हमारे हिसाब से और हमारे डायरेक्टर साहब राजू चौहान जी के हिसाब से तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है। अब ऑडियंस क्या फैसला करती है इस फिल्म को लेकर के, अभी तो ऑडियंस से ही फैसला करके बता सकती है। फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है और हम जितने भी समाज भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके बारे में हमने दिखाया इस फिल्म को और उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी जाएगी। गाने अच्छे हैं इस फिल्म के। इस महीने की 28 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, कहाँ कहाँ आप रिलीज कर रहे हैं, कितने स्क्रीन्स आपको मिल रहे हैं, इस बारे में जरा ऑडियंस को बताइए। ये बिहार में पहले रिलीज हो रही है मेरी फिल्म और बिहार से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कम 50 थिएटर मिलने की उम्मीद है। मुंबई बड़ा मार्केट माना जाता है साहिल भाई भोजपुरी फिल्मों के लिए, तो क्या फिल्म को इस दिन मुंबई में भी रिलीज किया जाएगा या फिर बाद में रिलीज का प्लान है? नहीं, हम मुंबई नेक्स्ट मंथ रिलीज करेंगे और बिहार झारखंड और हमारा वेस्ट बंगाल वगैरह ये सब कर रहे हैं अभी, हम यूपी दिल्ली हम कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि बस अच्छा रिस्पांस मिले कुछ भी। एक सवाल हर पत्रकार पूछता होगा, मुझे नहीं पता आपसे लोगों ने पूछा है या नहीं, कि भाई आपकी फिल्म में ऐसा क्या खास है, दर्शक आपकी फिल्म क्यों देखें? अब हमारे कहने का मतलब है कि फिल्म तो सब सारे लोगों की फिल्म बनाते हैं फिल्म ऑडियंस के उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए। हमारी फिल्म एंटरटेनमेंट भी है, स्टोरी भी है और अच्छे गाने हैं। हमारा म्यूजिक डायरेक्टर भी राज सेन अच्छा कोशिश करके म्यूजिक दिया है। साहिल भाई, फिल्मों में अश्लीलता बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, खासकर भोजपुरी नारों से दो चार हो रही है, क्या आपकी फिल्म में भी इन आरोपों को लग रहा है या फिर इन आरोपों से आप पूरी तरह से पार पा चुके हैं, किसी तरह की इसमें चीजें नहीं है अश्लीलता की अगर मैं बात करूँ तो? नहीं, हमारी फिल्म में तो ऐसी कोई अश्लीलता हमने दिखाया नहीं है, बट ये है कि गाने में थोड़ा बहुत तो अभी क्या है, इतना बलगट भी हमारा वो नहीं है जो पब्लिक हम फैमिली के साथ बैठ के फिल्म को नहीं देख सकते, हम फैमिली के साथ भी बैठ के आराम से देख सकते हैं फिल्म को। हर फिल्म में हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ एक मैसेज होता है, सोशल मैसेज होता है, सोशल मैसेज तो यही है कि भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ हमने ये फिल्म बनाया है जो हमारे कानून के रखवाले होते हुए हुए समाज को सताते हैं और हमारे गरीब लोगों को मजबूर करते हैं हथियार उठाने के लिए। साहिल जी, क्या कभी कोई ऐसी घटना गैंग ऑफ सिवान, तो खास करके तो मैं सिवान सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ और उम्मीद है ये जो अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैंने ये फिल्म बनाया है तो अपने मित्रता और अपने समाजवादी और सबको हमने इसमें नज़र रखते हुए एक मैसेज दिया है। ऑडियंस जो आपकी फिल्म देखेगी उसे कुछ कहना चाहोगे आप और कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे? ऑडियंस को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए और आपने तो सबको अभी तक देखा है, निरहुआ हमारे क्या बोलते हैं खेसारी जी, पवन जी, सबकी फिल्में आप लोग देखते हैं, एक बार हमारी भी फिल्म देखिए और क्या फ़र्क है वो आप लोग फैसला कीजिए। ओके, थैंक यू।